राकेश सिंह टिकैत किसान आंदोलन विविध परिदृश्य सुभम गुप्ता जी के माध्यम से किया गया, ये सराहनीय है। हम उनको बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं, क्योंकि कोई भी साहित्य के बिगैर कोई किसी भी विचार को समाज के नीचे तक पहुंचाना असंभव। केवल ये साहित्य एक ऐसा माध्यम होता है जिससे एक विचार को हम नीचे तक लेके जाते हैं, और इस साहित्य के माध्यम से ही विचार हजारों साल तक समाज में जिंदा रहता है। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, इनका ये सराहनीय प्रयास है, और मैं ये आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ये इस तरह के जो विषय हैं उनको लेके निरंतर अपने ये प्रयास जारी रखेंगे और एक वैचारिक क्रांति को जन जन तक पहुँचाने का कि प्रयास में अपना योगदान देंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ और बधाई देता हूँ। जो ये पुस्तक लिखी गई है उसके लेखक हमारे साथ हैं, और आज इसका विमोचन गाजीपुर बॉर्डर से किया गया है। बड़े हर्ष का विषय है कि आज सभी लोगों की उपस्थिति में, जिसमें टिकैत साहब खुद मौजूद हैं, इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो मैं शुभम गुप्ता जी से चाहूँगा कि उनको कैसे इसकी प्रेरणा मिली और क्या वो सोचते हैं वो भी बताएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मतलब मेरे को जब मैंने हमने देखा कि मतलब किस तरह से हमारे जो किसान हैं, किसान यूनियन है, मतलब किस तरह से मतलब आगे बढ़ चढ़ कर मतलब देश के लिए, समाज के लिए मतलब जो योगदान दे रहे हैं, योगदान बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब आप किस तरह से भी दे रहे हैं, मतलब तो जैसे हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो साथ में जुड़ गया है जय योगदान। तो सर, मतलब मेरे को वहीं से प्रेरणा मिली, तो मतलब हम किस तरह से योगदान अपना योगदान दे सकते हैं जो हमारे मतलब किसान यूनियन वगैरह है, तो उन सब के लिए। तो और बाकी मेरे जो सीनियर्स हैं, अंशु हैं, हमारे एडिटर हैं, मनोज सर है हमारे, मनोज सर, तो मतलब उन्होंने मेरे को आइडिया दिया इस चीज़ के लिए कि मतलब ऐसे एक मतलब लिखा जा सकता है इस पर, तो मतलब मुझे वहाँ से ये आइडिया मिला। पुनः पुनः आपकी पूरी टीम को, मनोज जी को, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ठीक है जी, का इसमें